नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे वीएस से रिलेटेड इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा भाई एक्सपो 2020। आपको पता चल रहा है जो मार्च 2022 में खत्म हो जाएगा और इसको देखते हुए 2022 में शुरुआत से लेके आगे लंबे समय तक क्या लाइफ टाइम की अगर बात करें तो 7 जॉब ऐसी हैं जो हाई डिमांड है, एनी टाइम हाई डिमांड जॉब रहने वाली है। वीए के अंदर सबसे ज्यादा मांगी जाने वाली जॉब हो सकती है। जी हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन जॉब से रिलेटेड तो आप अप्लाई कर सकते हैं भाई पूरी, क्योंकि आपको पता भाई वे में पूरा डिजिटली पहले से हालांकि है, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे और अपडेट होता जा रहा है, अपग्रेड होता जा रहा है वे, तो और उसमें डिजिटली सिस्टम पूरा चलेगा। तो उसमें फिर आप जैसे इस जो जॉब में बताऊंगा इसमें अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री या इसमें आपके पास हुनर है तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी तनख्वाह जो लाखों में हो सकती है उसमें आप ट्राई कर सकते हैं, ताकि आप दूसरे जो यूरोप कंट्री के चक्कर में लोग भागते रहते हैं, अच्छा है कि आप यहाँ पे ट्राई करिए, थोड़ा टाइम निकालेंगे अच्छी सैलरी आपकी बन सकती है। 7 जॉब हैं, उनमें भी कुछ अलग अलग पॉइंट हैं। जी हाँ, तो अगर एवरेज देखा जाए तो 15 से 20 जॉब हो सकती हैं, लेकिन मेन टॉपिक 7 पे हम बात करेंगे। अगर आप उनमें अप्लाई करते हैं तो आपका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है। शुरू में अगर फर्स्ट में बात करेंगे जॉब इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल, जी हाँ फाइनेंशियल से रिलेटेड बात करेंगे। आपको पता भाई वीए में अभी एक्सपो 2020 जाएगा, मार्च 2022 तक रहेगा, तो कॉरपोरेट जगत की एक इतना भयंकर तरीके से बूम करने वाला है वीए के अंदर। सब कुछ कंपनियां इतनी तरीके से इन्वेस्ट करेंगी, नई कंपनियां बनेगी वीए में, नया इन्वेस्टमेंट होगा, नया बिजनेस पूरा ढांचा तैयार करेंगे, पूरा सिस्टम ऑनलाइन होगा, तो आप समझ सकते हैं कि भयंकर जॉब सेक्टर आएंगे इन जॉबों में। जी हाँ, जो जॉब इन मैंने बताया अकाउंटिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इसमें भी अच्छा जॉब स्कोप मिल सकता है आपको। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर में भी अच्छा जॉब आपको मिल सकता है। फाइनेंशियल एनालिसिस, जी हाँ इसमें विशेषज्ञ से रिलेटेड होता है, आप सबको पता है, इसमें भी अच्छी खासी डिमांड है, आने वाली है वीए में और फिलहाल भी चल रही है। जी हाँ, सेकंड नंबर पे अगर बात करते हैं तो जो रिस्क एंड सिक्योरिटी सिस्टम, जी हाँ मैनेजमेंट इसको बोल सकते हैं, इसमें भी जैसे रिस्क मैनेजर हो गया, सिक्योरिटी एनालिसिस वगैरह हो गया, क्योंकि जो कंपनी आपको पता है जो बन रही है, जो सिस्टम पूरा मेंटेन करती है, तो आजकल पूरा सिस्टम डिजिटलाइज्ड है, आपको सबको पता है, तो पूरा सिस्टम ऑनलाइन होने की वजह से जो कंपनी का डेटा होता है, सर्वर होता है, पूरा सिस्टम होता है, हैकर्स द्वारा उनके ऊपर प्रॉब्लम की जा सकती है, अटैक किया जा सकता है, तो कंपनी आजकल इनको हायर करने लग गई है, पहले से एक्सपर्ट्स हैं, रिस्क एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट को पहले से तैयार करके रखती हैं, ताकि वो अपना सुरक्षा देखें, उनका पूरा डेटा रिकवरी करना, पूरा सार संभाल के रखना, उनको डेटा सेव रखना, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका समाधान करना, तो रिस्क मैनेजर सिक्योरिटी एनालिसिस वगैरह की भी कंपनी की जरूरत है। अगर आपके पास डिग्री होल्डर हैं तो आप इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं। 3 नंबर पे अगर साथियों बात करें तो रिक्वायरमेंट एचआर जॉब इन दुबई, जी हाँ आपको पता है भाई कंपनियों में बहुत ज्यादा डिमांड होती है एचआर मैनेजर की, एचआर बिजनेस पार्टनर्स की, या टैलेंट एजुकेशन स्पेशलिस्ट की, इन तरह की जो जॉब होते हैं इसमें बहुत ज्यादा कंपनियों को जरूरत होती है, क्योंकि कंपनी ये चाहती है कि हमारी कंपनी को अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए एचआर वगैरह की आवश्यकता होती है। आपको सबको पता है, आप भी अगर कंपनियों में जाते हैं तो सबसे पहले एचआर से आपकी मीटिंग होती है और वही आपको सब कुछ करता है, अगर आप वो उसकी नजर में आप पास हैं तो आपको जॉब मिल जाता है। यानी कि अच्छे वर्कर की पहचान करना, उसका इंटरव्यू लेना, उनके कंपनी के लिए सिलेक्शन करना, उनकी व्यवस्था करना, अच्छी भर्ती करना, उनकी देखभाल करना, इनके लिए कंपनियां इन जॉबों में हायर करती है। इसकी अगर बात करें तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी जॉब में मिल सकती है वीए के अंदर अच्छी सैलरी में। जी हाँ, 4 नंबर पर बात करें तो साथियों अगर आपने लॉ की डिग्री की है या लॉ से रिलेटेड आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, अगर आपका एक्सपीरियंस है, आप चाहते हैं कि भाई आप इंटरनेशनल जाके वहां पे काम करना चाहते हैं, तो आप लीगल सेक्टर में जा सकते हैं। जी हाँ, वीए में प्रत्येक कंपनी, बिजनेसमैन कोई भी हो, उसको लीगल एडवाइजर की जरूरत पड़ती है। इंडिया में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां कोई भी हो, उनका हर आदमी का एक लीगल एडवाइजर होता है। जैसे सेम आपको इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आपको सीए की जरूरत पड़ती है, अगर आपको पुलिस या आपको कोर्ट में कोई मैटर होता है तो आपको एडवोकेट की जरूरत पड़ती है, सेम कंपनियों को भी ऐसी जरूरत होती है, तो आप लीगल सर्विस सेक्टर में जा सकते हैं, लीगल काउंसलिंग में जा सकते हैं, पैरालीगल में आप अप्लाई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, या फिर लीगल असिस्टेंट
असिस्टेंट के जो के तौर पर भी आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। अच्छी तनख्वाह, लाखों रुपए इंडियन करेंसी की बात करें तो अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर में भी। जी हाँ, पांच नंबर पे अगर साथियों बात करते हैं तो इंजीनियर से रिलेटेड। जी हाँ, अगर आपने इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में होती है, आप सबको पता है, अलग अलग क्षेत्र में होती है, अलग अलग सब्जेक्ट में। अगर आप इंजीनियर हैं, आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, तो आप यूएई में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड वाली जॉब हैं, सबसे ज़्यादा तनख्वाह वाली जॉब हैं। अब पेट्रोलियम इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हैं, आपके पास मैकेनिकल इंजीनियर भी आपके पास डिग्री हो सकती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी हो सकता है, केमिकल से रिलेटेड भी हो सकता है, और भी बहुत सारे इंजीनियर जिनके अलग अलग है, आप बिल्कुल अप्लाई अपॉर्चुनिटी है दुबई में आने वाले समय में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, नंबर पे बात करें तो डेटा एंट्री एक्सपर्ट्स। जी हाँ, अगर आपको डेटा एंट्री का नॉलेज है, आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, आपने काम इसमें किया है, अच्छा आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप दुबई में ट्राई कर सकते हैं, यूएई में जाके, अपॉर्चुनिटी इसमें अच्छी है। क्योंकि प्रत्येक कंपनी, प्रत्येक मालिक कंपनी का जो भी कोई भी है, उसको अपना पूरा ऑन रिकॉर्ड रखने के लिए डेटा एंट्री एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। और आपने देखा होगा हर ऑफिस में पाँच सात बंदे, दस बंदे बैठे होते हैं, आप देख सकते हैं। सीए है जो खुद अपना काम करता है, लेकिन उनको भी डेटा एंट्री के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें सबसे ज़्यादा जॉब होते हैं, इस सेक्टर में मिलते हैं। क्योंकि जितना सिस्टम ऑनलाइन होता रहेगा, डिजिटली होता रहेगा, तो इन लोगों की जरूरत पड़ती रहेगी। क्योंकि डिजिटली अपने आप नहीं होता है, उस पर भी लोगों को बिठाना पड़ता है। तो इसमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ट्राई कर सकते हैं वी में। जी हाँ, सात नंबर पे अगर बात करें साथियों, तो बता दूं डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। जी हाँ, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इंडिया में अच्छा एक डिप्लोमा भी चल रहा है, लोग कोर्स भी कर रहे हैं, एजुकेशन भी, एजुकेटेड भी हो रहे हैं, इंडिया में भी इसका अच्छा स्कोप है, लेकिन अगर आप यही काम वी दुबई में करते हैं, तो आपकी सैलरी जस्ट 20 गुना बढ़ जाती है। क्योंकि करेंसी का भाव का डिफरेंस आ जाता है। आने वाले समय में ये मान के चलिए पूरा वर्ल्ड, पूरा सिस्टम डिजिटली हो जाएगा, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी तनख्वाह इसमें मिल सकती है, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। आठ नंबर पे बात कर लेते हैं डॉक्टर नर्स। आपको सबको पता है भाई, इनकी तो है ही है, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है डॉक्टर्स नर्स की। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं वीए में जाने के लिए, तो इंडिया के बहुत सारे डॉक्टर्स नर्स पहले से भी हैं, लेकिन इसमें आने वाले समय में ज़रूरत पड़ती रहेगी। क्योंकि डॉक्टर नर्स ये एक ऐसा पद है कि ये कम नहीं होने वाला, लाइफ में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप ट्राई कर सकते हैं। टीचर्स जॉब से रिलेटेड भी है भाई, क्योंकि आपको पता है वीए में 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, टीचर लोकल तो वहाँ के पढ़ाते नहीं है, सब विदेशी हैं। तो आपके टीचर्स हैं, आपको अच्छी एजुकेशन, आपको नॉलेज है, तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। जी हाँ, अगर 10 नंबर 11 नंबर पे बात करें टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल, जी हाँ, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से जॉब हो सकते हैं टूरिज्म से रिलेटेड अगर बात करें, टूर गाइड का काम कर सकते हैं, होटल एंड रिसोर्ट में मैनेजर का काम भी हो सकता है, रेस्टोरेंटर्स में भी हो सकता है, खुद का कर सकते हैं, चीफ का भी काम कर सकते हैं, क्लीनिंग एंड हाउसिंग कीपिंग का भी इसमें काम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग पद होते हैं, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो बताएं मैंने, लगभग 20 टाइप के जॉब है, लगभग अगर देखा जाए तो टोटल मिलाए तो इसमें एनी टाइम हाई डिमांड वाले जॉब हैं, जो लाइफ में हमेशा चलते रहेंगे, और इसमें सबसे ज्यादा तुरंत जाते जॉब भी मिल जाते हैं अच्छी तनख्वाह में। तो बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना था साथियों। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अच्छा कोई मैन पावर ऑफिस देखिए, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर कोई लिंक आपका है तो। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, पैसा देने की जरूरत नहीं है इन जॉब में। अगर आपको कोई फ्री रिक्वायरमेंट में हायर करता है तो आप जा सकते हैं, बाकी पैसे देने की जरूरत नहीं है कि तुझे 2 लाख तनख्वाह दिलवा दूंगा, 2-5 लाख दे दे, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 1 चौनी भी नहीं देनी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जी गल्फ देशों में। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।